गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स टाइप सोलर कुकर, जो कि EE207 की यूनिट 6 का पार्ट है और ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने डायरेक्ट फोकसिंग टाइप का सोलर कुकर के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट है वो बॉक्स टाइप सोलर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर के बारे में हल्का सा हम पहले बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, कि इसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स में पोर्ट होता है, पोर्ट को सोलर एनर्जी की सहायता से गर्म किया जाता है, उसके अंदर जो भी खाना वगैरह है वो गर्म हो जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। सबसे पहले इसके मुख्य भाग, बॉक्स टाइप सोलर कुकर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। पहला, इसका जो मुख्य भाग है वो होता है बॉक्स का बाहरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये बॉक्स का बाहरी हिस्सा है। तो बॉक्स का बाहरी हिस्सा जो होता है इसका, वो लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन आजकल सामान्यतः यह है लोहे की चद्दर या एल्युमिनियम का होता है। मीन्स पहले जो भी होता था लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, उसी का भी हो सकता था, लेकिन आजकल जनरली हम इसको चद्दर या लोहे की चद्दर, एल्युमिनियम का बनाते हैं। सेकेंड आता है इसका बॉक्स का आंतरिक हिस्सा। आंतरिक हिस्सा मीन्स ये वाला हिस्सा, इसका जो आंतरिक हिस्सा है, ये वाला आंतरिक हिस्सा। तो ये आंतरिक हिस्सा वो होता है जिसमें सोलर ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है, और ये लोहे की चद्दर, स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन बना होने के साथ साथ इसको अंदर से व नीचे से काले रंग से पोता हुआ रहता है, और इसमें खाने बनाने का बर्तन को रखा जाता है मेनली। जैसे बर्तन रखा है खाना बनाने का, तो ये अंदर वाला हिस्सा है, उसके अंदर ये खाने बनाने वाले बर्तन को रखा जाता है। इसको काले रंग से, जैसे बीच में बोला मैंने कि इसको काले रंग से अंदर से नीचे से पोता जाता है, तो काला रंग से पोतने का कारण है कि जो भी सूर्य के रेडिएशंस, जो काला रंग है वो सूर्य की, वो जो सोलर एनर्जी है मतलब रेडिएशंस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राही करता है, तो उससे इसका टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको काले रंग से पोता जाता है। तीसरा आता है इसका पार्ट थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर यह है, थर्मल जो इंसुलेटर होता है ये बाहर का हिस्सा, आंतरिक हिस्सा, इसके बीच में जो लेयर होती है वो थर्मल इंसुलेटर की होती है, और इसकी जनरली इसको लगाने का कारण यह है कि जो ऊष्मा है वो अंदर की ऊष्मा बाहर डिसिपेट नहीं हो पाए, उसका ऊष्मा का जो अंदर एकत्रित तो ऊष्मा होती है वो बाहर लॉस ना हो पाए, बाहर ना जा पाए और उसका लॉस ना हो पाए। जनरली ये ग्लास वूल और थर्माकोल का होता है, जो बीच की लेयर होती है बाहर की और अंदर की लेयर के बीच की जो लेयर होती है इंसुलेटर लेयर, वो ग्लास वूल और थर्माकोल की होती है। वो चौथा हिस्सा आता है इसका कांच। कांच ये वाला जो पार्ट है, ये इसका कांच है, ये वाला पार्ट। सोलर किरणों को बॉक्स की ओर परावर्तित करने के लिए दो सतह वाले कांच का, इसमें जो कांच यूज में जाता, दो सतह वाला कांच का उपयोग किया जाता है, तो सोलर की जो रेडिएशंस आती है वो उनको अंदर सीधा जाने देता है, और इसको लकड़ी के फ्रेम में फिट किया हुआ होता है। जो अंदर का जो बॉक्स का साइज है उससे थोड़ा सा इस कांच के साइज को थोड़ा बड़ा रखा जाता है, और इसका मेन काम यही कि जो रेडिएशंस आती हैं उनको अंदर जाने देता है, लेकिन अंदर वालियों को बाहर वापस नहीं आने देता, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। पांचवा पार्ट इसका साधारण दर्पण। साधारण दर्पण ये वाला जो साधारण दर्पण है, ये साधारण दर्पण है, यह बॉक्स के ढक्कन के अंदर वाले, ये ऊपर का जो ढक्कन है इसके अंदर वाले हिस्से में लगाया जाता है। यह सोलर ऊर्जा को एकत्रित करके बॉक्स का अंदर का तापमान बढ़ाता है, मीन्स इस पर जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पे, पात्र के अंदर की ओर, जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें ये दर्पण है, यहाँ से ये अंदर की ओर करेगा जिससे सोलर एनर्जी अंदर वाले पार्ट को मिलती है। तो ये वाला हिस्सा होता है अपना दर्पण। लास्ट जो पार्ट आता है इसका, खाना बनाने का बर्तन। जो खाने बनाने का बर्तन होता है, ये वाला बर्तन, ये बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जो काला किया हुआ हिस्सा रहता है, और इसको ढका जाता है फिर शीशे से, कांच से, जो डबल लेयर का कांच होता है इससे। तो एल्युमिनियम, ये जो बर्तन होता है वो एल्युमिनियम की चद्दर से बने होते हैं जनरली, और ये जो बर्तन होते हैं इनका बाहरी हिस्सा भी काले रंग से पोत दिया जाता है, ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा ग्रहण कर सकें, और इसको बर्तन को, बर्तन के अंदर जो भी खाना हमको बनाना होता है वो अपन रख देते हैं, तो ताकि ये बर्तन गर्म होता है तो खाना अपना गर्म होता रहता है और वो बन जाता है। इसके साथ साथ कुछ बातें इसकी, इसके बारे में, कि जो ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर है इसमें अपन बिस्किट भी बना सकते हैं, और ये जो इसका साइज है,
ये वर्गाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। और सबसे बड़ा इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि जैसे जैसे सूर्य की डायरेक्शन चेंज होती है, सूर्य मूव करता है, तो हमको इसको उसके अकॉर्डिंग ही घुमाना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनर्जी इकट्ठी हो सके। अगर सूर्य की डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे तो ये ज़्यादा इसको गर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि सूर्य की एनर्जी के, सूर्य जैसे जैसे घूमता है वैसे इसको मूव करना अपन को पड़ता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये इसकी गाइड है, ताकि इसे इसके ढक्कन को जो मिरर है इसको अपन ढक्कन को एडजस्ट कर सकेंगे, ढक्कन एडजस्ट होगा तो मिरर एडजस्ट होगा। ये इसकी ग्लास सीट है, ये कुकिंग पॉट है, यहाँ से सनरेज जा रही है, ये सीधा अंदर जा रही है। तो थैंक यू, आज ये बॉक्स के बारे में बताया आपने, सोलर सोल बॉक्स टाइप सोलर कुकर के बारे में बताया। थैंक यू।